वाह वाह वाह, आज का मौसम भी कितना फर्स्ट क्लास है। ए जीतिया। जी बापूजी। ए तू फिर से भूल गया क्या? क्या बापूजी? ए बहू को अस्पताल ले जाना भूल गया? क्या हुआ दया के बापूजी? ए चुप पे बबूचक। बहू के पिछवाड़े पे कल से फुंसी हो रखी है, कल से बोल रही है वो भूल गया तू? सॉरी बापूजी, आप ना आप एक काम कीजिए, आप सुई लीजिए और सुई से फुंसी फोड़ दीजिए। मुझे अभी थोड़ा लेट हो रहा है बापूजी। ए बबूचक, अभी क्या भी ले जा बहू को। जी जी बापूजी। ए हेलो। अरे किधर जा रही है? हेलो। नॉनसेंस। हेलो। चली गई। चलो मैं भी चलता हूँ। अरे अय्यर भाई। जय टलल। तुम किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह? तो आप सुबह सुबह उठ के कांच में देखती क्यों? जेठा लाल। ए जेठिया, अब लेट नहीं हो रहा है? जी बापूजी, अभी जा ही रहा हूँ। जेठा लाल। बेड़े तुम देखो तुम्हारे पप्पू ने क्या कर दिया। है पप्पू? अरे बापूजी, दया ने कब कर दिया? बताया भी नहीं। अरे पप्पू गलती से बोल दिया था भाई, देखो तुम्हारे टप्पू ने क्या कर दिया। कुछ महा नहीं किया होगा मेरे बेटे ने। जेठालाल, मेरी सोनू कहाँ है? ए, मुझे क्या पता बीड़े। वो सुबह से गायब है। सोनू गायब है? तुम्हारा टप्पू उसे भगा कर लेके गया होगा। अरे ओ भीड़े, चाल चाल आवा, दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा टप्पू कब से घर में ही है। क्या? हाँ वो क्या है कि सुबह से संडास में घुसा हुआ है और अभी तक बाहर नहीं आया है। तो सोनू कहाँ है? अरे मुझे क्या बता, बार बार मुझे क्या पूछ रहा है। चलो मेरे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, ठीक है बाय। अरे जेठालाल। अरे चला गया। ये नट्टू खाकर भागा किधर है? दुकान में तो है ही नहीं कोई, ऐसे खाली छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अरे अरे चालू जी, पांडे जी आप यहाँ? बताइए कौन सा आप टीवी लेंगे आप, या मोबाइल लेने आए? बताइए बताइए। जेठालाल मैं मोबाइल लेने नहीं आया हूँ। हाँ तो टीवी है ना, टीवी लीजिए। मैं टीवी भी नहीं लेने आया हूँ। तो क्या फ्रिज चाहिए, या फिर आपके घर में किसी चीज में खराबी है और उसको ठीक कराने के लिए आप यहाँ पर आए हो? चुप। चालू जी, पांडे जी हुआ क्या है आखिर? तुम्हारी वाइफ है ना दया? हाँ हाँ मेरी ही है। क्यों? देखो जेठालाल, तुम्हारी पत्नी दया ने चौराहे पे इतना गरबा किया कि किसी ने सोच मतलब कि वहाँ पे जाम लग गया है। हाँ तो जाओ साफ करो, यहाँ पर क्यों आए हो? जेठालाल। अरे सॉरी, आप थोड़ा बताएंगे कि अभी मेरी वाइफ कहाँ पर है? तुम्हारी दया ने गरबा करते हुए 5 पुलिस वालों की बहुत जमकर कुटाई की। क्या? अरे वाह। क्या अरे वाह, जाओ संभालो दया को, क्यों खुला छोड़ा उसे? अरे चालू जी, पांडे जी ऐसा है कि दया के ढूंगो पिछवाड़े पे वो क्या कि एक छोटी सी या फिर मोटी सी मन देखा नहीं है, तो वो फुंसी हो गई है, तो वो फुंसी फुड़वाने के लिए डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन वो क्या है कि जैसे ही घर से निकली तो वो मैं मतलब कि डांडिया करते करते सीधा फुर हो गई। अरे डॉक्टर को घर बुला लेते ना, अगली बार से अपने दया को घर में जंजीरों से बांध के रखना, ठीक है? जी चालू पांडू चांडे सॉरी क्या था, हाँ पांडे जी। चलता हूँ फिर। अबे निकलना पहले फुर्सत में। क्या? अरे मेरा मतलब आप जाइए 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 आप। ये क्या हो गया आज के दिन, ये फुंसी को भी अभी ही होना था। Many months later. देख दया, अब कोई मुसीबत खड़ी मत करना, अब फुंसी फुड़वा लिए तो अब आराम भी आ जाएगा धीरे धीरे, तो तू प्लीज शांति बना के रखना, ठीक है? चलो अब मैं दुकान चलता हूँ। जय जिनेंद्र। ठीक है टप्पू के पापा। जय जिनेंद्र। अरे पोपटलाल तुम कैंसल। अरे भाई क्या हुआ? मैं दुनिया हिला दूंगा। हाँ ठीक है जाओ हिलाओ दुनिया को। अरे जेठालाल ये सरासर नाइंसाफी है, अन्याय है ये, अन्याय। अरे जल्दी बोलना बे पोपट। जेठालाल 2 महीनों से मैं इंस्टाग्राम पे एक लड़की से बात कर रहा था।
फिर जेठालाल उसने शादी के लिए हाँ भी भर दी। फिर तो पक्का सपना था ये। अरे जेठालाल पहले मेरी बुरी बात तो सुनो। फिर मैं बहुत खुश हुआ था और फिर मैंने आज इसको वीडियो कॉल किया। अरे भाई आगे तो बताओ क्या हुआ। वो लड़की नहीं थी। अरे रे रे फेक आईडी वाला लड़का था। वो लड़का भी नहीं था जेठा ना। हैं तो क्या था? इंजड़ा। कैंसल। आज के बाद इंस्टाग्राम पे बात करना कैंसल। देखो पोपटला तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुन के मेरे को बड़ी खुशी हुई है। तो ठीक है चलो अब मैं चलता हूँ। तो भाई लोगों ये वीडियो यही तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और पहली चीज मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी मैंने ये स्किन्स डाउनलोड करी है और जो ये मैंने वर्ल्ड आपको दिखाया है ये सोसाइटी जिसमें बनी हुई ये मैंने डाउनलोड किए हुए अलग जो मैंने खुद नहीं बनाए ये मैं पहले ही बता देता हूँ ठीक है। और जितने भी स्किन्स है वो मैंने माइनक्राफ्ट स्किन्स एक नाम की वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करी है। यानी कि जेठालाल चंपकलाल और जितने भी कैरेक्टर्स है सबकी स्किन्स वहीं से डाउनलोड करी है। जो ये मैप है मैंने ये माइनक्राफ्ट बिल्डिंग वाला एक ऐप आता है जिसमें आप बिल्डिंग्स को इम्पोर्ट कर सकते हो तो वहाँ से मैंने इस सोसाइटी को मतलब गोकुलधाम सोसाइटी को इम्पोर्ट किया था। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।